बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जनाब, आज हमारा आखिरी लेक्चर है, 32nd। खुश हो रहे होंगे आपके, आज हमारा कोर्स ख़त्म होने जा रहा है। डेफिनेटली आपको खुश होना चाहिए कि आज आपका जो फर्स्ट स्टेप है टुवार्ड्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, कि आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को थारोली स्टडी किया। और इन लास्ट 32 लेक्चर्स में हमने कोशिश की, जैसे कि आप इससे विटनेस भी हो, कि हमने फ्रॉम वेरी बेसिक्स हमने स्टार्ट किया टर्म को, और उसको हम अपना जो ऑब्जेक्टिव था उसको हमने अचीव करने की कोशिश की, और हमने किया। ठीक है, तो आज लास्ट टॉपिक आपका चल रहा है क्रॉस कंटेंसी रेफरेंस से एसएल प्रॉब्लम, स्टॉर्म लॉयली सिस्टम। इस सिस्टम में हम बेसिकली बात करते हैं कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ठीक है, और चाहे वो ऑर्डिनरी हों चाहे वो पार्शियल हों, फिलहाल हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर बात कर रहे हैं। उनका जो सोल्यूशन होगा, अगर वो एसएल प्रॉब्लम है और रेगुलर एसएल प्रॉब्लम है, जो हम इस कोर्स में हम सिर्फ रेगुलर एसएल प्रॉब्लम को ही डिस्कस करेंगे, तो उसमें हमने रेगुलर एसएल प्रॉब्लम में हमने जो सोल्यूशन आएगा आपके पास उसको हम आइगन फंक्शन कहते हैं जी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम उसके जो सोल्यूशन है, जो आइगन फंक्शन है हमारा, वो किसी एक पैरामीटर के रेफरेंस से आता है, जिसको हम लेमडा, आपने देखा होगा पिछले लेक्चर में लेमडा के रेफरेंस से हम बात कर रहे थे, तो लेमडा जो है उसको हम आइगन वैल्यू कहेंगे जी, ठीक है। और इन कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी, कि आपके पास इन्फिनिट लेमडाज हो सकते हैं इन सम इंक्रीजिंग मैनर, और हर लेमडा के रेलेवेंट आपके पास एक आइडन हर फंक्शन होगा, यानी हर आइडन वैल्यू के रेफरेंस से आपके पास एक आइडन फंक्शन होता है, ठीक है। आज हम बेसिकली लेक्चर 32 है, बेसिकली इसमें हम आज थोड़ा सा रिव्यू पहले मैं कर देता हूँ आपको, कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली हेंकेल ट्रांसफॉर्म को स्टडी किया, और हेंकेल ट्रांसफॉर्म की एप्लीकेशन टुवर्ड्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी, ठीक है, और उससे कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी। एंड देन वी मेनली स्टार्टेड इन द लास्ट लेक्चर द एसएल प्रॉब्लम जी, स्टॉर्म लॉयली सिस्टम, स्टॉर्म लॉयली प्रॉब्लम होता क्या है जी, ठीक है। आज इस लास्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इसको वाइंड अप करने की, और इसी बेसिक्स पे ही हम रहेंगे इंशाल्लाह। और कुछ मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, और जो आपको हैंड आउट में भी नजर आएगा, लेकिन इसके अलावा ये जो काम आप करके आ रहे हो, जैसे आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि जो आपने एग्जाम्पल की थी, वो बेसिकली आप इससे पहले बड़ी बहुत दफा आप कर चुके हो जी, ठीक है, इन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में। आई थिंक सो टुडे आई विल कंटिन्यू दिस स्टॉर्म लॉयली प्रॉब्लम्स। फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, एंड देन आई विल डिस्कस समथिंग अबाउट पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर में उसके रेफरेंस जो एसएल प्रॉब्लम मेरे पास आते हैं, मैं उसकी बात करूंगा, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि अगर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर एसएल सिस्टम, कंसीडर द एसएल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन given d of x r of x y dash plus q of x plus lambda p of x y is equal to 0 subject to the boundary condition alpha 1 y of a plus alpha 2 beta 1 y dash of a is equal to 0 and alpha 2 y of b plus beta 2 y dash of b is equal to 0 g. इसको मैं इक्वेशन 2 कहूंगा, 2a and 2b, इसको मैं 2a कह देता हूँ, इसको 2b कह देता हूँ। सो ये कंडीशन है मेरे पास, लेट सो दिस इज अ लैम्डा,
ये एडमिट वैल्यू है यहां पर, उसका जो सोल्यूशन हो रहा है उसमें एडमिट फंक्शन कहता हूं. सो लेट लेमडा एम एंड लेमडा एन बी एनी टू आइडन वैल्यूज ऑफ द प्रॉब्लम एंड एम एंड वाई एन आर कोरिस्पॉन्डिंग आइडन फंक्शन. जी आइडन फंक्शन देन इंपॉर्टेंट थिंग जो अब आ रही है, जो जो इस रिजल्ट की निचोड़ है, वो क्या है कि वाई एम और वाई एन आपस में ऑर्थोगोनल होंगे. देन वाई एम एंड वाई एन आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू दी आइडन फंक्शन. ये आइडन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दी वेट फंक्शन, नॉट आइडन फंक्शन, विद रिस्पेक्ट टू दी वेट फंक्शन. और वेट फंक्शन लेट से वो रो ऑफ एक्स है जी, ऑन इंटरवल ए लेस देन एक्स लेस, इस इंटरवल के लिए हम बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल है तो ए टू बी, टू डायमेंशनल हो तो फिर रेक्टेंगल हो जाती है. ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जी. इस रिजल्ट को मैं प्रूव भी करूंगा और ये रिजल्ट हमें बहुत कुछ देता है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अगर आपके पास दो डिफरेंट आइडन वैल्यूज हैं उससे एक प्रॉब्लम की, तो उन आइडन वैल्यूज के रेफरेंस से आपके पास दो आइडन फंक्शन होंगे. ठीक है, ये तो बात आप पहले कर चुके हो. अब ये रिजल्ट ये कहता है कि वो आइडन फंक्शन ऑर्थोगोनल होंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन, टू वेट फंक्शन साथ हो रहा तो उसके रेफरेंस से वो ऑर्थोगोनल होंगे. ठीक है, और वट इज द वेट फंक्शन, जब हमने फोरियर सीरीज पढ़ा था तो मैंने वेट फंक्शन को डिस्क्राइब किया था, फोरियर सीरीज अबाउट 15-16 लेक्चर जो भी था, और साथ मैंने ये भी कहा था कि आप इसको डिटेल के साथ पढ़ें. आज वो डिटेल हमें यहाँ पे काम देगी. ठीक है, मैं अगेन फोरियर वेट फंक्शन के ऊपर नहीं जा रहा, जो कौन से फंक्शन होते हैं वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ. ठीक है, सो इसका जो और वो फंक्शन बड़े कोई उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको समझना है. ठीक है, प्रूफ इसका मैं प्रूफ करता हूँ. ठीक है, अगर वाई एम और वाई एन आइडन फंक्शन है इस सिस्टम के, तो वो इसको डेफिनेटली सेटिस्फाई भी करेंगे. ठीक है, इफ वाई एम एंड वाई एन आर आइडन फंक्शंस ऑफ एसएल प्रॉब्लम कोरिस्पॉन्डिंग टू द आइडन वैल्यूज, इफ वाई एम एंड वाई एन आर आइडन फंक्शंस कोरिस्पॉन्डिंग टू द आइडन वैल्यूज लैम्डा एन एंड लैम्डा एन रिस्पेक्टिवली. ठीक है, देन इक्वेशन वन टेक्स द फॉर्म वाई एम और वाई एन अगर आइडन फंक्शन हैं कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा एम और लैम्डा एन के रेफरेंस, तो इक्वेशन वन को सेटिस्फाई करेंगे इन द सेंस डी बाई डी ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स वाई एम डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस लेमडा एम पी ऑफ एक्स वाई एम इज इक्वल टू जीरो. इसको मैं इक्वेशन थ्री कह देता हूँ. और सिमिलरली लेमडा एन के लिए वाई एन डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस लेमडा एन पी ऑफ एक्स वाई एन इज इक्वल टू जीरो. इसको मैं इक्वेशन फोर कह देता हूँ जी. इनको मैंने सिंप्लीफाइड करना है किसी भी तरह से, कि मैं सिंप्लीफाइड करके मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने प्रूव क्या करना है. मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरा वाई एम और वाई एन आपस में ऑर्थोगोनल हैं.
विद रिस्पेक्ट टू सम वेट फंक्शन, ठीक है, उनके ऑर्थोगोनैलिटी को प्रूव करना है. तो मैं इन इस इक्वेशन थ्री को मैं वाई एन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और इक्वेशन फोर को मैं वाई एम के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थ्री मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थ्री बाई वाई एन एंड इक्वेशन फोर बाई वाई एम एंड सब्ट्रैक्टिंग subtracting the two resulting equations, that is इसमें वाई एन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ वाई एन डी बाई डी ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स वाई एम डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस लेमडा एम P of x y n y m this is equals to 0 and this is equal to y m d by d of x r of x y n dash plus q of x plus lambda n P of x, y n, y m, this is equals to 0 g. So, it gives me subtraction of these two things. It gives me y m, d by d of x, r of x, y n dash, minus y n, d by d of x, r of x, y m dash, plus q of x, y n, y m, minus q of x, y n, y m, plus lambda n, p of x, y n, y m, minus lambda m, P of x y n y m is equal to 0. तो ये चीज इसके साथ कैंसिल आउट हो रही. We are left only with y m d by d of x r of x y n dash minus y n d by d of x r of x y m dash is equal to, so right side पे ले जाएं. तो दिस इज समथिंग लेमडा एम माइनस लेमडा एन कॉमन ले लें तो पी ऑफ एक्स वाई एन वाई एम जी. इसको मैं इक्वेशन नंबर फाइव कह देता हूँ जी, ठीक है. अब मैं इंटीग्रेट करता हूँ. इंटीग्रेटिंग फाइव फाइव फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी जो उसी डोमेन है मैं उसके ऊपर उसको इंटीग्रेट करता हूँ. वी ऑब्टेन, अब आप देखें कौन सी इक्वेशन थी वाई एम डी बाई डी एफ एक्स. इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ ए टू बी y m d by d of x r of x y n dash d of x plus a to b y of n d by d of x r of x y n dash dx is equal to लेमडा एम और लेमडा एन दोनों कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगे. लेमडा एम माइनस लेमडा एन ए टू बी ऑफ कोर्स व्हाट इज दिस पी ऑफ एक्स वाई एन वाई एम पी ऑफ एक्स वाई एन एन वाई एम डी ऑफ एक्स, ठीक है. इसको मैं इक्वेशन सिक्स कहता हूं, बल्कि इसको मैं
इसको मैं इंटीग्रल आई वन से जाहिर करता हूँ और इसको मैं इंटीग्रल आई टू से जाहिर करता हूँ। आई वन को मैं सेपरेटली डील करता हूँ, तो आई वन बेसिकली दिस इज नथिंग बट ए टू बी वाई एम डी बाई डी एफ एक्स आर एफ एक्स वाई एन डैश डी एफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे बाई पार्ट इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, एक्स्ट्रा इंटीग्रल मेरे पास है और इसको मुझे डेरिवेट करना पड़ेगा, तो इसका इंटीग्रल क्या है, डी बाई डी एफ एक्स वाई एम इंटू आर एफ एक्स वाई एन ए टू बी माइनस ए टू बी आर एफ एक्स वाई एन डैश वाई एम डैश एंड दिस इज डी एफ एक्स जी, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया आर एफ एक्स और ये चीज मेरे पास यहाँ पे आ गई। सिमिलरली दिस इज आई वन, सिमिलरली आई टू ये आ जाएगा वाई एन आर एफ एक्स वाई, लुक दिस शुड बी हियर वाई एम जी वाई एम डैश ए टू बी माइनस ए टू बी आर एफ एक्स वाई एन डैश वाई एम डैश एंड डी एफ एक्स जी, ठीक है। ये मेरे पास आई वन और आई टू आ गए जी। अब मैं इनकी वैल्यूज को सब्सिट्यूट करूंगा इक्वेशन सिक्स में, सब्सिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ आई वन एंड आई टू इन इक्वेशन सिक्स, सब्सिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 and I2 in equation 6 we obtain. So I1 ki value yahan pe substitute karu to ym r of x yn dash ym r of x yn dash a to b minus a to b R of x ym dash yn dash dx minus ये minus, तो I2 की value ये minus हो जाएगा, ये plus हो जाएगा yn R of x ym dash a to b plus a to b R of x ym dash yn dash dx and this is equal to the right hand side lambda m minus lambda n lambda m minus lambda n integral a to b and of course p of x yn ym dx p of x yn ym dx, look ये term इस term के साथ cancel out हुई और इस total में इस तरह लिख लूं तो lambda m minus lambda n a to b p of x yn ym dx this is equals to b substitute कर दो तो फर्स्ट टर्म आर एफ एक्स आर एफ पी वाई एम एफ पी वाई एन डैश एफ पी ओके देन माइनस आर एफ ए वाई एम एफ ए वाई एन डैश एफ ए माइनस जब मैं इसी टर्म सबसे जो माइनस आ जाएगा तो माइनस वाई एन ऑफ पी आर ऑफ पी वाई एम डैश ऑफ बी और देन प्लस आर ऑफ ए वाई एन ऑफ ए वाई एन एम डैश ऑफ ए जी, ठीक है। मैं आर ऑफ बी और आर ऑफ ए कॉमन लेता हूं तो दिस इज समथिंग लाइक दैट आर ऑफ ए कॉमन लें तो वाई एम एफ बी वाई एन डैश एफ बी
माइनस वाई एन ऑफ बी वाई एम डैश ऑफ बी, एंड आप यहां से आर ऑफ बी कॉमन लें, आर ऑफ ए कॉमन लिया तो गलत हो गया, वाई एम ऑफ बी, नो देर इज वन मिस्टेक, मैंने ये आर ऑफ बी कॉमन लिया था जी, ठीक है, आर ऑफ बी कॉमन लिया तो वाई एम ऑफ बी वाई एन डैश ऑफ बी और वाई एन ऑफ बी और वाई एम डैश ऑफ बी जी। अब आर ऑफ ए इसी तरह कॉमन लें, माइनस आर ऑफ ए तो वाई एम ऑफ ए वाई एन डैश ऑफ ए माइनस वाई एन ऑफ ए वाई एम डैश ऑफ ए जी, ठीक है, ये आर ऑफ ए और आर ऑफ बी हो जाएगी, ये तो आ गया। बट माई ऑब्जेक्टिव इज टू प्रूव दैट दीज टू फंक्शन आर ऑर्थोगोनल, और ऑर्थोगोनल होने के लिए इनका प्रोडक्ट अंडर दिस इंटीग्रल मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ओके, सो वो हम कैसे अचीव करेंगे, वो हम ऐसे अचीव करेंगे कि आपका जनाब जो एस एल सिस्टम है, जो लेमडा एन और लेमडा एम, वो उस बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। लुक, मैंने जो रिजल्ट लिखा था, मैंने इसलिए डिटेल के साथ लिखा, वापस लेके चलता हूँ आपको, यहाँ पे वो इन बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, यानी लेमडा वन वाई एम ऑफ ए प्लस बीटा वन वाई एम डैश ऑफ पी, और सिमिलरली ये वाई एन के लिए भी सेटिस्फाई होगा, और ये दोनों कंडीशन। तो मैं सो यहां पे लिखता हूं, सो नाउ द आइगन फंक्शंस वाई एम एंड वाई एन मस्ट बोथ सेटिस्फाई the boundary conditions to a and to b both, in particular from 2a the first boundary conditions thi wo the lambda 1 y m of a plus सॉरी अल्फा वन नॉट लेमडा वन प्लस बीटा वन वाई एम डैश ऑफ ए दिस इज इक्वल टू जीरो एंड अल्फा टू वाई एम ऑफ ए प्लस बीटा टू वाई एम डैश ऑफ ए दिस इज इक्वल टू जीरो। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 9 कहता हूँ और इसको मैं क्वेश्चन नंबर 10 कहता हूँ जी, ठीक है। तो अगर ये इक्वल्स टू जीरो हैं और ये दोनों देखिए, ये दोनों एक अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं वाई एम और ये वाई एम डैश और ये वाई एम, तो अल्फा और अल्फा वन और अल्फा टू मेडल में एक्स वाई में लेता हूँ, तो मैं देखें आप इसको मैं क्या कंक्लूजन यहाँ से मिल रहा है मुझे कि इसका जो डिटर्मिनेंट है इस इक्वेशन का इट मस्ट बी जीरो जी, जो इसका डिटर्मिनेंट हो रहा वो भी इसका इक्वल टू जीरो होना चाहिए जी, इन ऑर्डर that this system be satisfied by alpha 1 and beta 1 not both 0 at the same time, the determinant on the coefficient must be zero ji, theek hai, determinant of the coefficient must be zero hoga, aur wo determinant kya hoga, y m of a y m dash of a and y n of a y n dash of a this should be equal to zero and this is equal to nothing but
y m of a y n dash of a minus y n of a y m dash of a this is equal to 0 जी. Now इसका हमें फायदा क्या हो रहा है अगर आप go back to this equation y m of a y n dash of a minus y n of a y m dash of a ये term 0 हो जाएगी जी. ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 8 कह देता हूँ. लेट्स से ये 9 है तो ये 8 हो जाएगी, 7 रही पीछे ही थी तो ये टर्म जीरो हो जाएगी. सिमिलरली जब मैं 2b यूज करूंगा तो ये अबव टर्म जीरो हो जाएगी. ठीक है, सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ 11 इन 8 सिमिलरली इक्वेशन आप दूसरे आपके पास आ जाएगी बी टर्म में. सो सब्स्टिट्यूटिंग 11 एंड द अदर इक्वेशन इन इक्वेशन 8 we get lambda m minus lambda n a to b p of x y n of x y m of x d of x this is equals to 0 and since my both eigenvalues are different from each other as that is lambda m or lambda n equal nahi hai. अगर ये इक्वल होते हैं तो फिर इनके कोरिस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शंस हैं वो भी इक्वल होने पड़ते हैं. तो क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो दिस only thing must be equal to 0 a to b p of x y n of x y m of x d x इसको 0 होना पड़ेगा जी. सो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये मुझे ये बता रहा है कि y n और y m जो दो आइडेंट फंक्शंस थे कोरेस्पॉन्डिंग टू लेमडा m और लेमडा n के ये आपस में ऑर्थोगोनल हैं with respect to this weight function जी, p of x जी. ठीक है, और ये काम आप इस तरह का काम आप पहले कर चुके हो जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो उससे पहले हमने फोरियर सीरीज थोड़ी सी पढ़ी थी उसमें हम फंक्शंस की ऑर्थोगोनैलिटी के ऊपर हम एक बड़ी अच्छी डिबेट कर चुके हूँ. ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैंने SL को सबसे आखिर में रखा था, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा वो प्रॉब्लम भी वो सारा काम और थोड़ा सा एक टॉपिक भी हमारा कवर हो जाएगा. कि साथ मैंने इसलिए नहीं कराया था कि मैं नहीं चाह रहा था कि एक तरह की चीज़ें आपके ऊपर पड़े तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या और वो क्या है. सो अब मैं उनके रेफरेंस देने में आसानी महसूस करता हूँ और आई एम इजी टू डू दिस. इस तरह की ऑर्थोगोनैलिटी हम पहले भी ऑब्जर्व कर चुके हुए. ठीक है, सो नाउ कम टू द वेरी नेक्स्ट एग्जाम्पल. मैं इसकी बेस के ऊपर ऑर्थोगोनल फंक्शन की बेस के ऊपर जो एग्जाम्पल है वो मैं करना चाहूंगा वो है के एग्जाम्पल represent the function f of x is equal to a constant a जो है वो constant है. ठीक है, for this interval not infinity but 1 as a series of eigen functions as a of TSL problem. TSL problem y double dash plus lambda y is equal to 0 h belongs to this domain and y of 0 is equal to 0 and y of 1 plus 2 y dash of 1 this is equal to 0. तो ये एक एसएल प्रॉब्लम है. यहां से उसने कहा है कि एक ऐसा अर्थ आइडेंट फंक्शन की सीरीज डेवलप करो जो इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करे ए को. यानी आपने पहले सीरीज बनानी है और उसका फिर रिलेशन फाइंड आउट करना है ए के साथ. ठीक है, फंक्शन का. और अगर आप रिमेंबर करो तो आप किसी भी फंक्शन की सीरीज बनाना सीख चुके हुए फोरियर सीरीज में जब आपने थोड़ा सा सीखा था के वो. लेकिन वहां पे हमने थोड़ा फोर्स किया था अपने आप को कि आपके जो आइडेंट फंक्शन है या जो आपके आर्गुमेंट है साइन क्रॉस वो आपस में ऑर्थोगोनल होंगे एक दूसरे के ऊपर. ठीक है,
यहाँ पे हम वेट फंक्शन बीच में थोड़ा सा आ जाते हैं और वेट फंक्शन के रेफरेंस से फिर हम बात करेंगे, बट लकीली इन दिस केस अवर वेट फंक्शन इज पी एफ एक्स इज वन जी, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा जो है पी एफ एक्स वन है, कभी कभी पी एफ एक्स वन नहीं भी होगा, ठीक है। ए जो है वो आपके पास जीरो है एंड बी जो है वो आपके पास वन है जी। सो सोल्यूशन की तरफ अगर मैं जाऊँ तो लैम्डा इज इक्वल टू जीरो एंड लैम्डा इज लेस देन जीरो के लिए ये कंट्राडिक्शन देता है और ये मैं काम नहीं करने जा रहा, ठीक है। इट्स अप टू यू टू प्रूव दैट फॉर लैम्डा इज इक्वल टू जीरो और लैम्डा इज लेस देन जीरो के लिए मेरे पास कंट्राडिक्शन आ जाती है, ठीक है। मैं सिर्फ लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो की बात करूंगा जी। केस व्हेन लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो जी, ठीक है। सो यहां से जो इक्वेशन आई थी आज इक्वेशन वो थी डी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा लैम्डा स्क्वायर रूट, एंड जो सोल्यूशन हो रहा वो बड़ा वेल नोन सोल्यूशन है सी वन क्रॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एक्स प्लस सी टू साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एक्स। सो इसका जो डेरिवेटिव है, क्योंकि आपने बाउंड्री कंडीशन पे अप्लाई करनी है सी वन और सी टू की वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है, तो यू शुड हैव सम डेरिवेटिव ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ डेन सॉल्यूशन। वाई डैश क्या होगा माइनस सी वन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एक्स प्लस सी टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एक्स, ठीक है। तो पहली जो कंडीशन है वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो वो मैं देखता हूँ कि फॉर वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो वाई ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी सी वन क्रॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी टू साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जी। सी वन क्रॉस ऑफ जीरो प्लस सी टू साइन ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो साइन जीरो जीरो दिस इंप्लाइज सी वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सी वन जीरो हो गया तो मेरे पास जो सर डेरिवेटिव है वो मेरे पास बच सॉरी मुझे वापस जाना था। सी वन जीरो हो गया तो फिर मेरे पास ये टर्म बच जाएगी इसका डेरिवेटिव सी टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एक्स। तो वाई जो बचेगा वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी टू साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एक्स एंड वाई डैश ऑफ एक्स आ गया मेरे पास माइनस सी टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा क्रॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एक्स जी, ठीक है। और इसको मैं इक्वेशन फोर कह देता हूँ जी, नो नॉट दिस वन बट दिस वन जी। नौ मई सेकेंड जो बाउंड्री कंडीशन थी वो थी वाई ऑफ जीरो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वाई ऑफ वन प्लस टू वाई डैश ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो जी। y of 1 plus 2 y dash of 1 is equal to 0. y of 1 is here c2 sin square root of lambda plus 2 y dash of 1 is this thing minus c2 square root of lambda cos of square root of lambda is equal to 0. तो यहाँ से c2 आप common लें तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। और अगर आप इसको डिवाइड कर दें विद साइन तो इट शुड बी समथिंग लाइक दैट यस। कैसे क्या करेंगे हम ये करेंगे कि हम C2 तो मेरा जीरो नहीं होगा ना, C2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। द रीजन इज इफ C2 इज जीरो तो मेरे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा, तो C2 को नॉट जीरो रखते हुए फिर मेरे पास आई एम लेफ्ट ओनली विद दिस थिंग माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा क्रॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ इज इक्वल टू लैम्डा क्रॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एंड दिस इज टेंजेंट स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा जी। ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ रही है, ठीक है। और ऑफ कोर्स दिस इज माइनस साइन हेयर दिस इज टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा। व्हाई आई पुट माइनस हेयर
इट्स डिफरेंट फ्रॉम एन नोट, साइन डेरिवेटिव क्रॉस होता है नॉट माइनस क्रॉस, दिस इज प्लस प्लस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस हियर. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5. लेट्स से टेंजेंट लैम्डा इज इट, यहां से अब मुझे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5, देखिए यहां से एक लैम्डा की, यहां इसको और इसको ऑर्डर में कंपेयर करूं तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू मिल सकती है मुझे. द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5, ऑल द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, द ग्राफ इंटरसेक्शन इन द ग्राफ y is equal to tangent of square root of lambda and y is equal to minus 2 square root of lambda. ठीक है, इनके ग्राफ के ऊपर देखें ये कैसे मैंने फाइंड आउट किया कि इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये कब, इस इक्वेशन में अननोन क्या लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू मुझे यहां से फाइंड आउट हो रही. तो इस अगर मैं इसे ग्राफ बना लूं, इस राइट लेफ्ट हैंड साइड का और एक राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाऊं, तो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो कॉमन पॉइंट होंगे, उसके ऊपर ये दोनों इक्वेशंस आपस में सेटिस्फाई होंगी. वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे लैम्डा की वैल्यू, बेसिकली उन लैम्डा के लिए मेरे पास ये सोल्यूशन होगा जी. वो लैम्डा की वैल्यू मैं यहां पर लूंगा. ठीक है, कहां से मिलेगा कि इससे ड्राफ्ट ड्रा करूंगा और एक इससे ड्राफ्ट ड्रा करूंगा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो यहां पे वो उनका सॉल्यूशन होगा जी. ठीक है, और लेट्स से उसको मैं से स्क्वायर रूट ऑफ बीटा एन को मैं लैम्डा एन को मैं बीटा एन कह देता हूं और लैम्डा एन जो है वो बीटा एन स्क्वायर आ गया जी. इसको मैं इक्वेशन नंबर 6, व्हेन एन इज इक्वल टू 1 2 अप टू सो ऑन जी. तो जो मेरे पास yn हो जाएगा, yn of x, this is equal to sin of beta n of x. ठीक है, ये मेरे पास yn आ गया. और जब मैं इसका फाइनल विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में इसका आंसर लिखना चाहूंगा तो वहां पे मैं ऑफकोर्स ये जो c2 था ये cn में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये लेट्स से दिस इज सी एन बन जाएगा. तो ये मेरे पास एक उसका सोल्यूशन आ गया. आइगन फंक्शंस जी, आइगन फंक्शंस इनको मैं आइगन फंक्शंस भी कह सकता हूँ. सोल्यूशन को मैं आइगन फंक्शन कहूंगा और बीटा एन किसके साथ डिपेंड कर रहा है, लैम्डा एन के ऊपर. लैम्डा एन क्या है, मेरी आइगन वैल्यू होगी जी. ठीक है, सो बीटा एन को भी मैं आइगन वैल्यू कह देता हूँ. और मैं ये जानता हूँ कि मैं इस जो मेरा फंक्शन है, देखे मुझे कहा क्या जाए, व्हाट्स आस्क्ड रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एज ए सीरीज ऑफ आइडन फंक्शन ऑफ द एसल प्रॉब्लम. यानी इसका जो आइडन फंक्शन आएंगे उसकी सीरीज में मैंने इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है. तो मैं क्या करता हूं, मैं इस फंक्शन को इक्वल कर लेता हूं उसकी सीरीज के साथ जैसे. ठीक है, सो एज गिवन दैट कि मुझे जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए वो मैं सीरीज सोल्यूशन में लिखूं इससे जो एसएल प्रॉब्लम के आइडेंट फंक्शन थे उससे, सी एन साइन ऑफ बीटा एन ऑफ एक्स एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity. ठीक है, और एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, ए इसको मैं लिख सकता हूं एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity सी एन साइन ऑफ बीटा एन एक्स. ये होल का है, सिर्फ उसका नहीं है. ठीक है, अब अननोन चीज क्या है, टोटल अननोन चीज है सी एन जी. ठीक है, और सी एन का ये जो फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ ये आपने इससे पहले भी देख चुके हो कि सी एन का फार्मूला बेसिकली दिस इज इक्वल्स टू 0 to 1 पी एफ एक्स साइन बीटा एन एफ एक्स ए डी एक्स डिवाइडेड बाय 0 to 1 साइन स्क्वायर बीटा एन एफ एक्स डी एच सी. अगर तो ये आपस में ऑर्थोगोनल होते तो ये इक्वल टू 1 हो जाता और यहां से फिर मेरे पास ये जो सिंपल फोरियर कोफिशिएंट है वो बन जाते. अनफॉर्चुनेटली अब मैंने मुझे नहीं पता कि बीटा एन की वैल्यू क्या है जी. ठीक है, बीटा एन की वैल्यू नहीं पता तो फिर मुझे ये सारा कैलकुलेट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और सी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन, लेट्स से इक्वेशन नंबर 7 कह देता हूँ.
इस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के जो इंटीग्रल्स हैं मैं उनको सेपरेटली डील करता हूँ जी, ठीक है। सो 0 टू 1 साइन स्क्वायर ऑफ बीटा एन डी एच डी एच, दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बीटा एन जो होता है वो किससे इक्वल होगा, हाफ एंगल से डबल एंगल में जाओ तो 1/2 0 to 1 1 माइनस कॉस ऑफ 2 बीटा एन ऑफ एक्स डी एच जी, ठीक है। पावर से मैं विदाउट पावर, ये बेसिक फार्मूलाज हैं, ये आपको पता है। एच 0 to 1 माइनस कॉस 2 बीटा एन एच, इसका इंटीग्रल होता है साइन 2 बीटा एन एच अवर 2 बीटा एन 0 to 1, और दिस इज 1/2 माइनस 1/2 बीटा एन साइन 2 बीटा एन, और जीरो पुट करूंगा तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो आई एम लेफ्ट ओनली विद दिस थिंग जी। तो 1/2 कॉमन ले लें आप, 1 माइनस 1 अवर बीटा एन साइन ऑफ, सो दिस इज 1 अवर बीटा एन साइन ऑफ 2 बीटा एन एंड, बट आई मिस वन थिंग, हियर इट इज 2 नॉट फॉर दिस बट फॉर ऑल दिस थिंग जी, सो 1 into this thing 1/2 1 माइनस ये 2 यहाँ पे रहेगा, इसको मैं मुझे सिंप्लीफाई कर लूँ तो 1/2 into 1 माइनस 1 अवर बीटा एन 2 साइन बीटा एन क्रॉस बीटा एन, और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यू आर लेफ्ट ओनली विद 1/2 1 माइनस साइन बीटा एन क्रॉस बीटा एन जी। सो ये आप मेरे पास इसका इंटीग्रल आ गया साइन स्क्वायर बीटा एन एच डी एच, और सिमिलरली मेरे पास जो ये इंटीग्रल है 0 to 1 साइन बीटा एन डी एच, इसकी वैल्यू भी मैं फाइंड आउट करूंगा जी। तो 0 to 1 साइन बीटा एन एच डी एच जी, तो इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ बीटा एन 0 to 1 वन सब एच ऑफ क्रॉस यहाँ पर आएगा, तो माइनस क्रॉस बीटा एन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्रॉस 0 1 जी, दिस इज 1 माइनस क्रॉस ऑफ बीटा एन जी, ठीक है। एच ये वैल्यू आ रही है, रेट ये ऊपर वैल्यू आ रही, इनकी वैल्यूज में सब्सटीट्यूट करूँगा अपने जो क्वेश्चन जो मैंने नाम दिया था उसका, तो 1 a/β(n) इंटू 1 माइनस क्रॉस ऑफ बीटा एन, यहां से देखें ऑफकोर्स ये बीटा एन भी यहां पे आएगा, तो ये बीटा 1/β(n) आउट एंड दिस इज 1/β(n) यहां पे भी हो रहा है, ठीक है। तो एंड द स्मॉलर थिंग इज डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 1 माइनस 1/β(n) क्रॉस ऑफ बीटा एन साइन ऑफ बीटा एन जी, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको मैं चाहूँ तो सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो इसको एज इट इज रहने देता हूँ, या एटलीस्ट इन कोफिशिएंट्स को मैं देख लेता हूँ, 2 a/β(n) इंटू 1 माइनस क्रॉस ऑफ बीटा एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/β(n) क्रॉस ऑफ बीटा एन साइन ऑफ बीटा एन, और अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो 2 a/β(n) इंटू 1 माइनस क्रॉस बीटा एन अवर बीटा एन माइनस क्रॉस ऑफ बीटा एन साइन ऑफ बीटा एन डिवाइडेड बाय बीटा एन, और ये कैंसिल आउट हो के 2 a/β(n) डिवाइडेड बाय बीटा एन माइनस क्रॉस ऑफ बीटा एन साइन ऑफ बीटा एन, तो सी एन आ गया मेरे पास। सी एन की वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ अपने उस ओरिजिनल फंक्शन में, तो ए इज जो था एन वेरीज फ्रॉम 1 to 20, सी एन आइडियल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो आइडियल फंक्शन क्या थे, साइन बीटा एन एच जी, ठीक है। तो यहाँ पे सी एन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो मेरा जो फंक्शन है वो आइडियल फंक्शन में रिप्रेजेंट हो गया, 2 a 1 माइनस क्रॉस ऑफ बीटा एन
डिवाइडेड बाय बीटा एन माइनस क्रॉस ऑफ बीटा एन साइन ऑफ बीटा एन एंड देन साइन ऑफ बीटा एन ऑफ एक्स सॉल्यूशन। आपने अपने फंक्शन को रिप्रेजेंट कर लिया आइगन फंक्शन सीरीज में जो एक एसएल प्रॉब्लम से आपने ऑब्टेन किए थे कोरस्पॉन्डिंग एसएल। सबसे पहले आपने एसएल प्रॉब्लम से आइगन फंक्शंस ऑब्टेन किए और देन आपने ऑर्थोगोनैलिटी कांसेप्ट यूज करते हुए आपने उसको रिप्रेजेंट कर लिया आपने किसी नाउन फंक्शन में ए में। और ए का रोल कहाँ पर था? ए का रोल था इम्पोर्टेंटली जब आप ये इसको यहाँ पे तो ए की वैल्यू वन थी ना, ठीक है, तो ए वन था तो दैट्स वाई वी डिड नॉट बॉदर फॉर द वैल्यू ऑफ ए। समटाइम्स आपको जैसे अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने आपको एक्स माइनस पाई एक्स दिया हुआ है, कुछ तरह का फंक्शन दिया हुआ है, तो उसमें आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ए की वैल्यू के साथ, ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले लेक्चर से मैं कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आप अपनी मजबूत करें, आज आखिरी लेक्चर वाले दिन भी मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ उसमें सिर्फ इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। स्टूडेंट्स अब बेसिकली मैं चलता हूँ जो अपना फाइनल डेस्टिनेशन है, लास्ट टॉपिक ऑफ माई लास्ट लेक्चर, वो है सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वेन वी आर इन डीलिंग विद एस एल प्रॉब्लम। We consider the following partial differential equation C rho partial u over partial t and k naught partial u over partial x. This is a partial differential equation and then I will we have the boundary conditions u of 0 t is equal to 0 and partial u by partial x l of t this is equal to 0. ye aapke paas do boundary conditions hain, theek hai ji, all then mere paas initial condition hai u of x 0 is equal to f of x. so I wrote the equation in this form ji, it is this model basically. अब ये जो इट्स ए वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन मॉडल्ड ऑन ए नॉन यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, यानी उसी स्पेसिफिक हीट उसे डेंसिटी या उसे के नॉट जो उसका कांस्टेंट है के नॉट वो डिपेंड नहीं, जो 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 वैल्यू है के नॉट की वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, वो फंक्शन है एट्स का आर टी का जी। इन दिस केस वी टेक फंक्शन ऑफ एट्स जी, सी is a function of x, rho is a function of x and k naught is a function of x. That's why I wrote in this way. So this is sometime in your whole theory which we studied before, humne k naught ko constant liya tha aur jab aap usse derivative lete hain, so this is something like that, partial k naught by partial x, partial u by partial x, to ye zero ho jati hai term ji. But today's in this lecture ye term zero nahi hogi ji, theek hai. तो इसको जब आप सॉल्व करने जाते हो इस इक्वेशन को, तो कोई इसमें इतना डिफिकल्ट वे नहीं है, कोई इसमें इतनी मुश्किल नहीं है, सब एक जैसा ही है काम, सिर्फ एंड में जब आप इसका सीरीज सॉल्यूशन लिखते हो तो वहां पे एसएल सिस्टम वहां पे आता है और वो कहते हैं नहीं जी आप इस अंदाज से इसका सोल्यूशन लिखें और इस अंदाज से आप इसका सोल्यूशन ऑब्टेन करें जी, ठीक है, अदरवाइज दिस होल थिंग इज वेरी सिंपल जी, रिमेनिंग ऑल थिंग्स आर इक्वल। इसमें सी रो और के नॉट ये फंक्शन ऑफ एच से दिस टाइम ये। सो इसका सोल्यूशन में कैसे देखता हूं, क्योंकि ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है और ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है, बोथ आर होमोजीनियस इक्वेशन, तो होमोजीनियस इक्वेशन को एड्रेस करने का सबसे बेस्ट मैथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो मैं यू ऑफ एच टी को मैं एच ऑफ एच एंड टी ऑफ टी से लिख लेता हूं, तो u ऑफ एच टी ये चीज आ रही है, तो पार्शियल u बाई पार्शियल t जो हो रहा वो हो रहा एच ऑफ एच एंड t ऑफ t, एंड ये चीज सेट हो रहा पार्शियल पार्शियल एट्स के नॉट पार्शियल u बाई पार्शियल एट्स, तो सबसे पहले पार्शियल u बाई पार्शियल एट्स में लिखता हूं तो वो इक्वल हो जाएगा एच डैश ऑफ एच t नॉट सॉरी t एज इट इज, ठीक है, और अगर आप पार्शियल बाई पार्शियल ऑफ एच के नॉट ऑफ पार्शियल यू बाई पार्शियल एच लिखेंगे
देखिए आप इसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा पार्शियल और पार्शियल एक्स के नॉट एक्स डबल डैश ऑफ टी ऑफ टी जे, ठीक है। और यहां से आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी, इसको आप लिख सकते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। देखें लुक एट दिस, दिस इज के नॉट और दिस इज के नॉट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इनटू कैपिटल एक्स और टी ऑफ टी टू में बाहर ले लेता हूँ जी, ठीक है जी। ये स्टेट फुल आ जाएगा और क्योंकि एक्स इज अ प्योर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली सो इसको पार्शियल की अब जरूरत नहीं है बल्कि इसको डेरिवेटिव इसको में रिप्लेस कर दूंगा, के नॉट डी एक्स बाय डी एक्स टी एफ टी जी। अब आप इसको ओपन करें तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है, या इसका डेरिवेटिव इससे सिंपल डेरिवेटिव है, ये सिंपल एक्स है वन डेरिवेटिव, सो दैट्स व्हाई आई कैन राइट इन दिस वे जी। सो ये चीज स्टेटफुल आ गई और ये चीज स्टेटफुल आ गई, इनकी वैल्यूज में यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो दिस इज नथिंग बट सी रो एक्स ऑफ एक्स टी डॉट ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू डी बाय डी ऑफ एक्स के नॉट डी एक्स बाय डी एक्स डी एक्स बाय डी एक्स एंड दिस इज टी ऑफ टी, ठीक है। सेपरेट करें तो टी डॉट ऑफ टी अवर टी ऑफ टी प्योर फंक्शन ऑफ टी ओनली, इसको इधर ले आए तो ये आपके पास आ जाएगा सी रो नो 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 वन अवर सी रो एक्स ऑफ एक्स डी बाय डी ऑफ एक्स इंटू के नॉट डी एक्स बाय डी एक्स और दिस इज अ प्योर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, दिस इज अ प्योर फंक्शन ऑफ टी ओनली, तो इट शुड बी इक्वल टू सम कांस्टेंट लेट्स से माइनस लेमडा। तो अब यहां से आपके पास दो इक्वेशन आ गई, टी ऑफ टी इज इक्वल टू अवर टी ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा और वन अवर सी रो एक्स ऑफ एक्स डी बाय डी ऑफ एक्स के नॉट डी एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लेमडा। सो दिस इज टी ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी आर टी ऑफ टी प्लस लेमडा टी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन आ रही है आपके पास। और यहां से आपके पास इक्वेशन आ रही है डी बाय डी ऑफ एक्स इंटू के नॉट डी कैपिटल एक्स ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लेमडा सी रो कैपिटल एक्स जी, ठीक है। इसको एक साइड पे कर लें तो डी बाई डी एफ एक्स के नॉट डी एक्स बाई डी एक्स प्लस लेमडा सी रो एक्स इज इक्वल टू जीरो जी, ठीक है। ये तो आप सॉल्व कर लोगे टी नॉट ऑफ टी प्लस लेमडा टी, इसका सोल्यूशन तो आपको पता ही है, मैं सारा सॉल्व करने नहीं जा रहा आज, ठीक है। और ये क्या चीज है, ये आपका एसएल प्रॉब्लम है, रेगुलर एसएल प्रॉब्लम। इसमें देखें आर ऑफ एक्स जो है, अगर मैं इसको फाइनल जो गुड शेप है उसमें लिखूं, अगर मैं आर ऑफ एक्स डी एक्स बाय डी एक्स डी वाई बाय डी एक्स सॉरी प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस लेमडा पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, ये था हमारे पास एसएल प्रॉब्लम जी, ठीक है। इसमें इसको सॉल्व किए हुए मैंने, इससे दो तीन एग्जांपल्स मैंने करी है आपके सामने लास्ट लेक्चर में भी और आज के लेक्चर में भी एक एग्जांपल मैंने करी है। इसमें ये देखें कि अब इस प्रॉब्लम को जो ऑब्टेन किया मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, और वो प्रॉब्लम कहां से आया है, जब आपने नॉन यूनिफॉर्म रॉड लिया था जिसमें सी रो एंड जो टेन आर था वो आपका कॉन्स्टेंट नहीं रहा था, ठीक है। तो अब आप देखें कि आप इनको कंपेयर करें, कंपेयर इन लेट से इसको वन कह दू इसको टू कह दू, कंपेयर इन वन एंड टू वी हैव आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू के नॉट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी रो और सी ऑफ एक्स और सी इज मे बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड रो मे बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स
इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना जी। ये आपके पास इसका आ गया एस एल प्रॉब्लम। अब दिस इज एस एल, इक्वेशन वन इज द एस एल प्रॉब्लम जी, और इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। इक्वेशन टू का सोल्यूशन दो, इट्स वेरी सिंपल, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल इक्वेशन, बट आई एक्सप्लेन दिस होल मेथडोलॉजी इन दिस लेक्चर एज वेल एज इन द लास्ट लेक्चर। सो इसको सॉल्व करना अब आपके लिए कोई इशू नहीं रहेगा जी। सो इससे आगे काम तो आपका होमवर्क है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसमें बताना ये चाह रहा हूँ कि इसमें अगेन आपके पास तीन केसेस आएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, लैम्डा इज लेस देन वन, लैम्डा इज ग्रेटर देन वन, और ऑफ कोर्स एक स्पेसिफिक लैम्डा के लिए, यानी लैम्डा ग्रेटर देन जीरो के लिए आप नॉट वन, लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, लैम्डा इज लेस देन जीरो, लैम्डा ग्रेटर देन जीरो के लिए आपके पास केसेस आएंगे। तो लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो के लिए आप उसको एड्रेस करोगे, लेकिन आपने दोनों प्रूव करने कि वो कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। कहां पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, इट्स योर जॉब टू चेक। सो अब पी एफ एक्स आपके पास ये आ गया। अब इससे रेलेवेंट आपके पास जो आइडियल फंक्शंस आएंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे विद विद दिस रेफरेंस, पी एफ एक्स के रेफरेंस से, ठीक है। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना मुश्किल काम रहा है आपके लिए, इट्स अ वेरी सिंपल जॉब। अदरवाइज आई सजेस्ट यू टू सी द बुक ऑफ हैबरमैन, आप हैबरमैन की बुक में भी आप इसको डिटेल के साथ ऑब्जर्व कर सकते हो। तो मैंने जो बेसिक थीम था इस एग्जांपल का वो मैंने आपको बता दिया, इस तरह के काम हम बोर्ड कर चुके हैं जी, ठीक है। ऑफकोर्स वन थिंग, आपने बाउंड्री कंडीशंस को और अनिशियल कंडीशंस को भी कन्वर्ट करना है अपने कैपिटल एक्स और कैपिटल डी में, और ये काम भी आप पहले कर चुके होंगे, ठीक है। यानी ये कोई इतना इशू नहीं है कि आपके पास एक्स ऑफ जीरो क्या होगा या एक्स ऑफ एल, एक्स डैश ऑफ एल क्या होगा, ठीक है, वो भी जीरो होगा, ठीक है। तो आपके पास ये जो इक्वेशन आएंगी वो आप उनको एड्रेस कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि आपका जो कोर्स था वो ख़त्म हुआ। कोर्स कंटेंट्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह अजीज हमने कंप्लीट किए अपने पूरे 32 लेक्चर्स में, एंड और मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि वी डिस्कस वेरी ब्रीफली जी। मैंने बहुत बेसिक से लेकर चला हूँ, जिसकी वजह से शायद हम बहुत स्लो भी रहे किसी दौर में, किसी जगह पे पेस हमारी ज़्यादा हो रही, किसी जगह पे कम हो रही, और कम कहाँ पे हुई कि मुझे बेसिक्स पढ़ाने पड़े। जैसे फोर ईयर सीरीज मेरे कोर्स कंटेंट्स में नहीं था, ठीक है, मुझे फोरियर सीरीज नहीं पढ़ानी थी, मुझे सिर्फ फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ाना था, उसे आगे आगे चलना था। लेकिन आई थॉट कि आपने फोरियर सीरीज पहले नहीं पढ़ी होगी, ये मेरी एजम्पशन है, गलत भी हो सकती है, मैं मैथमेटिशियन हूँ, एजम्पशन एज्यूम करता रहता हूँ हर चीज। तो लेकिन इसके बावजूद मैंने फोरियर सीरीज आपको बताई, जैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म मेरी एजम्पशन है कि आप पढ़ के आए हो, मेरी एजम्पशन ही बल्कि मेरा मुझे जो आपका कोर्स प्रीरिक्विजिट है उसमें लिखा हुआ भी है कि आप लैपलास ट्रांसफॉर्म की बेसिक्स आप पढ़ के आए हो। लेकिन इसके बावजूद मैंने लैपलास ट्रांसफॉर्म पे एक लेक्चर लगाया, फोरियर ट्रांसफॉर्म पे लगाया, हैंकेल ट्रांसफॉर्म पे लगाया, उससे बाद हमने उसकी एप्लीकेशन देखी। पहले हमने उनको सीखा इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन जो वो होती जाएंगी। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ समरी आपको अपने पूरे इन 32 लेक्चर्स को देना चाहता हूँ, प्लीज़ बी अटेंटिव, और ये आपके टर्मिनल के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया, और फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंट मेथडोलॉजीज को डिस्कस किया कि हाउ टू ऑब्टेन द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। देन हमने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ आए, और सबसे पहले हमने उसको क्लासीफाई किया, उसे तीन मेजर क्लासेस बना ली कि जनाब एक इलेप्टिक होगी, एक पैराबोलिक होगी और एक हाइपरबोलिक होगी। तो जो इलेप्टिक होगी उसी का कंडीशन है, जो हाइपरबोलिक होगी उसकी भी एक कंडीशन है सर्टन, और सिमिलरली जो पैराबोलिक है उसकी भी एक सर्टन कंडीशन है। वो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि वो कंडीशन डिपेंड करती हैं डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट सर्टन ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जी। देन उसके बाद जो आई रिमेम्बर कि हमने रिड्यूस करना सीखा अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को टू एट कैनोनिकल फॉर्म जी। जब हमने ये बेसिक अपने आप को फेमिलियर कर लिया मैथमेटिक्स ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसी मैथमेटिक्स से जब हमने अपने आप को फेमिलियर किया, तो फिर हमने सोचा कि वाई नॉट वी शुड गो टू रियल लाइफ, इन रियल लाइफ वहाँ से हम प्रॉब्लम उठाएं और उनको इंटरप्रेट करें
इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हम उनकी दूसरे लफ्जों में मैथमेटिकल मॉडलिंग करें। उस मैथमेटिकल मॉडलिंग के जो पांच छह स्टेप्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे उनकी अप्रोक्सीमेशन एंड सबसे पहले आपने देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी अप्रोक्सीमेशन एंड आइडियलाइजेशन क्या है, उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग, फिर कंपाउंडिंग, और देन ये आपने इस तरह से उसको स्टेप वाइज लेके चले और आपने उसका किसी भी प्रॉब्लम को उसका सोल्यूशन उसको मॉडल करना आपने सीखा, ठीक है। एंड एंड उसके बाद फिर हमने जब फेमिलियर भी हो गया हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ, हमने उनका कनेक्शन भी रियल लाइफ में देख लिया, देन वी थॉट व्हाई नॉट वी शुड गो फॉर द सोल्यूशन ऑफ दोज इक्वेशंस। हम सोल्यूशन की तरफ जाएं कि अब हम इतने फेमिलियर तो हो रहे हैं कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखते ही हम बता सकते हैं ये एलिप्टिक है, ये पैराबोलिक है, ये फलानी इस क्लास से तलक रखती है, हम उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं इनटू अ सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और उस कनेक्शन के रियल लाइफ से। ये हमने जब सीख लिया देन वी लर्नड वी स्टडीड द मेथडोलॉजीज टू सॉल्व दोज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो फर्स्ट मेथडोलॉजी है वो हमने देखी थी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ट्रांसेंडेंडा की बुक हमने फॉलो की और उसमें हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की बुक बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स किए, वो हमने बहुत डिटेल के साथ वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन में देखा, और उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारी जो बाउंड्री कंडीशन है, जो इक्वेशन है, वो उसको होमोजीनियस होना जरूरी है, ठीक है। और इवन जब हमने लैप्लास इक्वेशन को ऑब्जर्व किया और रेक्टेंगल हमने ली, तो आई रिमेम्बर कि उसमें होमोजीनियस इक्वेशन बाउंड्री कंडीशंस नहीं आई थी हमारे पास, देन हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करते हुए उसको हमने ब्रेक कर लिया अपने चार प्रॉब्लम्स में, ठीक है। और वो उसको फिर हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। अब उसके बाद देन आई वेंट फॉर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, जी के इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की मदद से मैं अपने सोल्यूशन को कैसे ऑब्टेन करता हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। सबसे पहले उसमें मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा, देन मैंने फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा, और लास्टली मैंने हेंकेल ट्रांसफॉर्म को एड्रेस किया। और इन सब की ट्रांसफॉर्मेशन को करते हुए पहले मैंने उनके बेसिक्स पढ़ी, आपको पढ़ाई कि उनकी बेसिक्स आप किस तरह से कोई भी फंक्शन हो, एलिमेंट्री फंक्शंस की हमने पहले सबसे लैप्लास लेना शुरू किया, और फिर करते करते हम अपना जो ऑब्जेक्टिव था वहां तक पहुंचे। अच्छा, इस बीच में मैं भूल गया मेंशन करना कि हमने फोरियर सीरीज को भी देखा था, हाल दो वो हमारे कोर्स में शामिल नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने उनको देखा फोरियर सीरीज को। और फोरियर सीरीज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, नंबर वन फॉर द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, उसको आपने देखा कि सबसे ज्यादा तो उसका वहां भी यूज हुआ। देन आज हमने एसएल प्रॉब्लम भी समहाउ उससे रिलेटेड है किसी अंदाज से, फर्क यह है कि वहां पे हमारे पास वेट फंक्शन हम वन लेते हैं और उसको ऑर्थोगोनलिटी हम प्रूव कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास वेट फंक्शन वन नहीं है असल प्रॉब्लम में। फोरियर ट्रांसफॉर्म में बहुत ज्यादा यूज किया फोरियर सीरीज को। देन लास्टली वी स्टडीड दिस एसएल प्रॉब्लम जी, जो आपके कोर्स का लास्ट टॉपिक था, और इसके साथ ही आई कैन से विद फुल कॉन्फिडेंस कि हमने अपने कोर्स को ट्रेवल किया और हमने बड़ी डिटेल के साथ उसको देखा जी। अब इट्स अप टू यू कि आप जो नेट सब्जेक्ट क्लासेज आएंगी, जो नेट आप उसमें आप अपनी इन इक्वेशंस को कैसे यूज करते हो, इन मेथडोलॉजीज को कैसे यूज करते हो। ये सिर्फ आपके यहाँ पर नंबर लेने की बात नहीं है, जब आपने एक कोर्स पास कर लिया और दैट्स इट, अगर आपने वाटी मैथमेटिक्स में रहना है तो यू शुड लर्न द मेथडोलॉजीज विद कंसेप्ट्स। ये नहीं है कि अच्छा ये स्टेप याद कर लो और सॉल्व करके पेपर में चले जाओ और नंबर लेके अल्लाह खैर सलाह, ऐसा नहीं होगा। इन फ्यूचर अगर आपने मैथमेटिक्स में रहना है तो कभी भी कहीं से भी कोई भी चीज़ ट्रॉल की जा सकती है, ठीक है। जैसे आज हमने पढ़ा या इससे पहले हम पढ़ते हैं बेसिक चीजें हम ट्रॉल करते हैं, अच्छा जी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस इसमें हमने नहीं पढ़ी, लेकिन हमने उनका सोल्यूशन देखा, ठीक है। हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमने नहीं पढ़ी, लेकिन हमने हर स्टेप के ऊपर उसको यूज किया। इस तरह की बहुत सारी चीजें, मैं अब क्या एग्जाम्पल दूं, फंक्शंस, उनके डेफिनेशन, पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव, ये सारी चीजें हमने नहीं पढ़ी इन द सेंस डीपली, लेकिन हमने हर जगह पे उनको यूज किया। तो सिमिलरली जब आप हायर कोर्सेज की तरफ जाओगे तो आप यहाँ से बेसिकली आप जैसे सीरीज सोल्यूशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर अप्लाइड मैथमेटिशियन, ठीक है। तो सीरीज सोल्यूशन आपको उसका आइडिया होना चाहिए,
हाउ टू ऑब्टेन दैट सीरीज सोल्यूशन। सो इस तरह की छोटी छोटी बातें जो मैं करना चाह रहा था आपके साथ, इसीलिए मैंने आज ये जो एग्जाम्पल है बड़ी आसान सी उठाई थी और मैंने होमवर्क दिया आपको कंप्लीट करने के बजाय कि आप इसको करें और बातें भी मेरी होगी और ये एग्जाम्पल भी आप इंशाल्लाह जरूर करोगे। सो स्टूडेंट्स, इससे साथ ही नेक ख्वाहिशात नेक तमन्नाओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन वाया कैमरा शायद दोबारा मिलें। लेकिन इस सारी गेम में मैं सारे इस 32 लेक्चर्स में मैं अगेन बताना चाह रहा हूँ कि आई ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर द वेरी गुड थिंग द वेरी बेस्ट थिंग टू यू, आपको मैं बेहतरीन चीज़ दूँ और मैंने आई कैन फील कि मैंने ऐसा किया है जी। ठीक है, मैं ये महसूस करता हूँ मैंने जो मेरा ऑब्जेक्टिव था रियल वो मैंने ऑब्टेन किया है जी। सो इट्स अप टू यू कि आप अपना ऑब्जेक्टिव क्या आपने अचीव किया है ये अब आप देखें। ठीक है, और वैसे भी टर्मिनल एग्जाम के बाद तो मैं भी देख लूँगा कि आपने कितना अचीव किया है। ठीक है, तो इस सारी बातों के साथ नेक ख्वाहिशात नेक तमन्नाओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स।